के देखो, घंटू को देखो, मूड खराब है इसका क्योंकि ये अभी घर जा रहा है। हाँ, जीजू आए हैं लेने के लिए, तो ये लोग अभी घर जा रहे हैं। इतना बोल बोल के, एक्चुअली कल ही जाने वाले थे, पर कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया, फोर्स किया कि आज मत जाओ, तो आज भी वैसा ही है। हम लोग इतना बोल रहे हैं कि मत जाओ, तो फिर वो लोग को जाना ही है। और घुंटू तो एकदम मम्मी का गला पकड़ लिया है, उसको जाने का ज़रा भी मन नहीं है। तो उसकी मम्मी पापा के आगे क्या चलेगा। हाय कह रहा हो घुंटू, अभी कार्टून देख रहा है, वैसे उसका मूड भी सही नहीं है। घूम अच्छे घूम। ये है हमारे आमिना दीदी, तो इनको देख लो, इनको शायद हमारे घर पे हर रोज़ देख पाओगे, क्योंकि ये हमारी दीदी हमारे घर की मेंबर है, और ये मेरी दी हम सब की हेल्पिंग हैंड भी है। ये रोज़ आती है, क्योंकि इनके बिना घर घर जैसा नहीं लगता। कभी नहीं आती है तो हम सभी बोलते हैं कि आमिना दीदी को बुलाओ, तो ये अभी कुछ बात नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे कैमरा में रोज़ रोज़ आएगी ना, तो फिर कम्फर्टेबल हो जाएगी, फिर बाद में बात करेंगे। और वो लड़का चला गया तनवीर, तनवीर भी रेडी होके बैठा है, उसको भी जाना है दीदों के साथ। दीदों के घर नहीं जाना है एक्चुअली, रास्ते में उतर जाके नानी के घर। अच्छा क्यों जी तो, अच्छा ये देखो वो रेडी हो गया है, उसको ये लोगों के साथ जाना है, और फिर वो रास्ते में नानी के घर के पास उतर जाएगा। देखो उसको जाना नहीं है, ज़बरदस्ती उसको टी शर्ट पहना है, अब पैंट पहना के पहनाने के लिए अब उसको फोर्स करना पड़ेगा। चल पैंट होगी, देखिए अभी भी ना बोले जा रहा है, जाना नहीं है उसके घर। काफ़ी टाइम के बाद हमने वीडियो बनाना शुरू किया, अब घर भी खाली हो गया, तो बताइए क्या मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का जरा भी। हाय फ्रेंड्स, आज तो हम जा रहे हैं, फिर आएंगे, काफ़ी टाइम इधर रुकना पड़ा, बड़ा मतलब रुकी में जी। आप मेरे भी काम है पूरा, उधर काम हो या ना हो हमको तो जाना पड़ेगा। रुकना पड़ा मतलब क्या, ज़बरदस्ती क्या रुकना पड़ा, वो तो मायके सबको जाना पड़ता है। फिर 10-15 दिन बाद शायद आना पड़ेगा मुझे। कोई काम नहीं है घर जाने का ये लोगों का, फालतू में ये लोग लॉकडाउन में घर में फिर से बंद पड़े रहने के लिए जा रहे हैं। अब कितना बोले बताओ, सबको ही बोले रुक जाओ, फिर भी ये लोगों को जाना ही है। और क्या बताओ, क्या तो हिंदी आती नहीं है मुझे, इतना ही आती है, तो फिर देखना है कि समझ लो आप लोग। और आएंगे 10-15 दिन बाद, फिर आएंगे 2 दिन के लिए, डॉक्टर दिखाना है मुझे। उधर भी है डॉक्टर, एक्चुअली ये जो डॉक्टर है डेंटिस्ट ना, डेंटिस्ट की ये जो डॉक्टर है, ये डेंटिस्ट का भी है, स्किन का भी, तो वो काफ़ी टाइम से उधर ही दिखाती है, कोई दूसरे जगह नहीं जाती है, तो इसीलिए उसको अच्छा लगता है कि उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट आए, तो इसीलिए वो उधर ही दिखाएगी। तो अब तो बोल रही है कि हम आएंगे फिर से, हमें तो नहीं लगता कि जाके फिर से वो आएगी। तो आप लोग कमेंट करके बोलो कि जल्दी से वो लोग फिर से आ जाए, खास करके घंटू के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है। नहीं आना है मुझे, उनसे भी झूठ बोल सकती हूँ लेकिन आप लोगों से तो नहीं। हम बाय नहीं करेंगे, वो बाय कर ली क्योंकि वो अभी जा रही है। ये देखो मेरे घुटू तो जा रहे हैं घर, जाना नहीं है उसे, जाना तो पड़ेगा। शाम हो गया इसलिए ये लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। अभी घूमते के उठ रही, सो के उठी है अभी, इसलिए मूड थोड़ा ऑफ है। तो जीजू ने गाड़ी निकाल दिया है, अभी वो लोग जा रहे हैं, निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। रात को 8 बज रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, खास करके मैं,
बैठी और मुझे कंपनी देने के लिए चीजा यहाँ पे बैठी है। हम दोनों यहाँ पे मस्ती करने की कोशिश तो कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है, बस बोर लग रहा है। तो इस टाइम को कैसे स्पेंड करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो तरह तरह की सुझाव बता रही है, बुआ ये करो बुआ वो करो, मुझे इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा है। कभी बोल रहा है कि चलो बुआ मैगी चैलेंज करते हैं, उसको चैलेंज करने का इतना ज़्यादा शौक है क्या बताओ, उसका बस चले तो एक एक दिन में चार चार चैलेंज वो ख़त्म करे। की बोल भी हेलो गाइस, तुम अच्छी हो। वैसे चाय के साथ बिस्किट खाते हैं, पर शाम के टाइम पे भाभी मुड़ी के साथ चनाचूर मिला के देते हैं, ये स्नैक्स अच्छा भी लगता है। तो हम बंगाली में चाय के साथ ये मुड़ी खाया जाता है, कैसा लगता है हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, तब से मैंने तो पक पक कर लिया। अब ये कैमरा खींच रही थी कुछ बोलने के लिए, आप इसकी बातें में सुन लीजिए। आप हाँ बोल। अच्छा, वो अपने खिलौना दिखाने के लिए तब से कैमरा को खींच रही है। देख लिया आप लोग, उसको तसल्ली मिल गया। ये सारा आप देख रहे हो, सारा का सारा किंडर जॉय से मिला है और तब से बोल रहे हैं कि दिखाना है दिखाना है। 1 2 3 4 बोलिए इसको कि खेलने कूदने के साथ भी पढ़ाई भी थोड़ा कर ले। बॉल पॉर्स ना कर भी। हाँ देखिए, आप लोगों को बोल दिया कि पढ़ाई लिखाई करेगी, अब देखते हैं क्या करें। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलवाते हैं मेरे साथियों से, जो जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है। तो गाइस, ऑनलाइन कुछ सामान आया है जो अनबॉक्सिंग हो चुका है, पर अभी तक आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि काफ़ी टाइम तक मेरा ब्लॉगिंग फिर से बंद पड़ा था कुछ रीज़न की वजह से, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। वैसे अनबॉक्सिंग हो चुका है क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं तो वो कवर लगा के नहीं रख सकती हूँ ना, तो प्रॉपर सैनिटाइज करना पड़ता है हर चीज़ों को, तो इसलिए अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बस अभी क्या क्या मैंने लिया है वो सब चीज़ दिखाने का टाइम है, तो चलिए देख लेते हैं। वो है तो ये है मेरा लैपटॉप। जी हाँ, मैंने लैपटॉप ख़रीदा है, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत भी था। ये है HP का लैपटॉप, ये मॉडल है HP 15S4 i3 11th gen लैपटॉप। आप लोगों को पता ही होगा कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है, न्यू लैपटॉप है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यूज़ करके इसको। ये खास करके बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, नॉर्मल स्टूडेंट इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोसेसर जो है वो काफ़ी फ्लॉलेस है, इसका हर चीज़ मुझे अच्छा लगा। मतलब ऐसे नॉर्मल कोई भी अगर फ़ोन यूज़ कर रहे तो ये लैपटॉप आसानी से चला सकता है, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हाँ उसको रिजिड लगे। ये मिड रेंज लैपटॉप है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है और स्टूडेंट लाइफ के लिए तो सुपर है ये, तो आप लोग भी इसको ख़रीद सकते हो। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये लैपटॉप के साथ है ये लैपटॉप का चार्जर और मैंने इसके साथ लिया है कीबोर्ड और लिया है ये माउस। ये दोनों चीज़ भी बहुत अच्छा है, मुझे यूज़ करके बहुत अच्छा लगा। ये ब्रांड है फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड का ये दो चीज़ है, तो मुझे तो अच्छा लगा। मैं ये सब सारे चीज़ें का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये बैग HP का, तो ये बैग मुझे अलग से लेना पड़ा, मुझे इसके साथ नहीं दिया। तो ये बैग भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है। और सबसे आखिरी जो चीज़ है जो मैंने लिया है वो है ये बैग। सिर्फ ये बैग ही नहीं है, बैग के अंदर भी कुछ चीज़ है, चलिए आप लोगों को दिखा दें। तो ये है माइक्रोफोन। जी हाँ, ये है बोया का माइक्रोफोन जो मुझे काफ़ी ज़रूरत था। जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से मुझे ज़रूरत था, हालांकि मैंने बहुत लेट कर लिया इसको ख़रीदने में, पर फाइनली ख़रीद ही लिया। इसमें साथ में मिला है बोया का ये लेदर का एक बैग जिसमें ये सब एक्सेसरीज डाला हुआ था। तो मुझे इस माइक्रोफोन में सबसे खासियत सबसे अच्छा यही चीज़ लगा, जो इस बैग में सारा चीज़ सेफ्टी में रहेगा, कहीं पर गुम नहीं हो जाएगा। तो ये बैग और ये साथ में ये माइक्रोफोन ये इसमें मिला।
जाके मुझे दो वायर में एक स्टैंड है लगाने वाला, इसको अटैच करने वाला, और ये है माइक। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मैंने अभी तक ये माइक्रोफोन यूज़ किया नहीं, जब से ख़रीदा है तब से ये, मतलब 4-5 दिन पहले ही सारा चीज़ आया है, तो जब से आया है तब से ये पड़ा है मेरा, मतलब मैंने एक बार भी लगा के देखा नहीं, ट्राई किया ही नहीं कि कैसा है कैसा नहीं। तो रिव्यू दूंगी उसको मैं यूज़ करने के बाद ही, उसके पहले मैं कुछ बता नहीं सकती। जितने भी कुछ दिखाया आप लोगों को मैं सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर किसी को लेना हो तो आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हो। तो गाइस मैंने इतना कुछ ले लिया है, थोड़ा टाइम लग गया, मतलब 4-5 दिन लग गया आप लोगों को दिखाने में, पर फाइनली दिखा दिया। अच्छा नहीं लग रहा था खरीदने के बाद कि आप लोगों को अभी तक मैं शेयर नहीं किया, तो अब जाके मैं सेटिस्फाई हूँ कि चलो जो जो खरीदा आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो लिटरली मैंने लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस ये सब कुछ यूज़ किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।